बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो इस वक्त हम हैं जी स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में। कॉफी बनाने लगा हूँ मैं और दूसरा, चंद घंटे रह गए हैं 2022 शुरू होने में। स्टार्ट। कैफे लाटे एक्सप्रेसो या डीकैफ? एक्सप्रेसो प्लीज। एक्सप्रेसो, ओके। ओहो, पिछाक लग गई है। सलमान ने रिसेप्शन पे कॉल की है तो वो आके जो भी मसला है ना वो हल कर देंगे। बिस्किट लूंगा, ठीक। ये भी हैं, ये जिंजर है, ये नहीं खाए जाएंगे मुझसे। कॉर्न नट्स छोटे, उन्हें कप रखे हुए हैं पीनट्स डालने के लिए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सेब खाऊंगा अभी। मालदा भी खाने को दिल कर रहा है लेकिन मुझे मज़ेदार नहीं लग रहा मालटा पर, हर साइड हो क्यों, सेब मज़ेदार लग रहा है तो इसलिए सेब खाऊंगा मैं। बंदा आया, उसने आके कॉफ़ी मशीन जो है ना ठीक कर दी है। अभी महफूज भाई के लिए हम बना के लेके आएंगे कैफे लैटे एक्सप्रेस। नहीं अभी अभी ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव लॉन्ज है, इधर ड्रिंक्स वगैरह लगी हुई हैं, कॉफ़ी आपने देखी मशीन, और इसके अलावा इधर सेब और माल्टे पड़े हुए हैं। एग्जीक्यूटिव लॉन्च, अभी यहाँ से हम जा रहे हैं बाहर। और यहाँ मास्क को लेके सख्ती है भाई साहब, ये देख रहे हैं भाइयों ने मास्क लगाए हुए। मैं पी रहा हूँ ना इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ। होटल में हम ठहरे हुए हैं, उन्होंने 2022 इधर लगा भी दिया। मैरियट होटल में हम ठहरे हुए हैं। लंदन में जो मैंने आपको अपार्टमेंट दिखाया था ना टू बेडरूम वाला, वो भी इनका ही था, मैरियट वालों का। तो काफी मतलब अच्छे होटल है इनके। तो अभी हमारी गाड़ी रही इधर, इधर गाड़ी पे बैठेंगे और फायरवर्क्स की तलाश में निकलेंगे। न्यूज जो हमने सुनी है ना वो ये सुनी है कि फायरवर्क्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना कोरोना, अगर फायरवर्क्स मिलेंगे तो आपको दिखा देंगे। अभी 2022 आने में चंद घंटे बाकी हैं, पाकिस्तान में तो आधा घंटा भी नहीं रह गया हुआ, 20 मिनट रह गए होंगे। पाकिस्तान में तो 2022 शुरू भी हो जाएगा। क्या खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है, द ओवो हाइड्रो, बीबीसी स्कॉटलैंड। ये जी यहाँ का घंटाघर, गौरों का घंटाघर। अभी जी हम स्कॉटलैंड के कैपिटल सिटी में आए हैं, एडिनब्रो। अभी स्कॉटिश पार्लियामेंट के बिल्कुल पास से हम गुजर रहे हैं। ये मेरी लेफ्ट साइड पे स्कॉटिश पार्लियामेंट है, द स्कॉटिश पार्लियामेंट। सॉरी वी आर नॉट येट ओपन टू जनरल विजिटर्स अंटिल देन फाइंड आउट मोर। एंट्रेंस ये है, ये है जी स्कॉटिश पार्लियामेंट, उस तरफ से हम आए हैं। ज़बरदस्त कमाल की उन्होंने पार्लियामेंट बनाई हुई है। और यहाँ पे ना ऐसे बस स्टॉप होते हैं, जो स्कॉटिश पार्लियामेंट बस स्टॉप, ये बैठने की जगह है, इधर बैठो और अपनी बस का इंतज़ार करो। यहाँ LCD, हाँ सॉरी, ये सारी बसेस की डिटेल लिखी हुई है, इतनी मिनट में यहाँ बस आएगी, ये बस, ये फलाना डिपकाना। ऐसी बसें हैं जो यहाँ पे चलती हैं, फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकेंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर भी कह सकते हैं आप। दिन को इधर आते ना तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन रात को भी नज़ारा ठीक है। ये नीचे आई थिंक ट्रेन स्टेशन है, पटरियाँ आप देख रहे होंगे, जैसे लंदन आई है ना, ये पलक है, ये 30-40 डोलियों वाला झूला है। ये हमारी तरफ तो झूले मेलों पे लगते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा है, लंदन आई तो बहुत बड़ा है ना, ये बहुत छोटा उसकी निस्बत। तो मैं इसको पलक कह रहा था, वो लंदन आई है, ये एडिनब्रो पलक है। पहले हमारा प्लान था कि हम लंदन जाएंगे, लंदन फायरवर्क देखेंगे, लेकिन फिर हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि लॉकडाउन जो है ना वो हो सकता है 28 दिसंबर को, लेकिन लॉकडाउन जो है वो नहीं हुआ और आगे भी यूके वालों का लॉकडाउन करने का कोई प्रोग्राम जो है ना वो नजर नहीं आ रहा। क्रिसमस पे लंदन चले गए, नहीं ये सोचा कि ये ना हो कि लॉकडाउन लग जाए और हम लंदन देख ना पाए। नहीं तो पहले हमारा प्लान था कि न्यू ईयर पे लंदन होंगे हम, लेकिन अभी हम स्कॉटलैंड एडिनब्रो में हैं। शुरू हुए हैं जी पटाखे, वो उधर 2 से 3 उन्होंने चलाए हैं, चीं टक टक टक, किसी ने ऊपर ना फिस फिस पेंट कर दिया हुआ है। फौजा प्लीज प्लीज फौजा, हो या ये लेजर लाइट्स है? नो 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 नो, हां हां वो जस्ट रस्सियां बांधी हुई हैं और साइड पे लाइट है और वो उन पे इफेक्ट आ रहा है, जस्ट लेजर है। उम्मीद है फायरवर्क होएगा, कहीं शुशलियां चल दिया देख के आए हैं। ची टक टक किया उन्होंने, ये देखा, ये खड़े हैं थोड़े यार, आपने सुना, उन्होंने बताया कि टेंशन नहीं लेनी, तो यहां आए थे तो 10 के भेजेंगे।
ठीक है सराना साहब, पता है लैम्बर्गिनी है, पीछे पोर्शे है, ठीक है, उसके पीछे फिर लैम्बर्गिनी है। जैसे हमारी तरफ 14 अगस्त पे होते हैं, बाजे बड़े बड़े लेक के बाइक्स पे निकलते हैं, पा पा ठी ठी गा गा करते हुए, ये न्यू ईयर है ना, तो उसकी वजह से ये भी फिर निकले हुए हैं। ये क्या है महफूज भाई? ये आइस रिंक है, और यहाँ पे न्यू ईयर के ना सब इवेंट होने थे तो सभी कैंसिल कर दिए। अदालत है? जमीन के लिए, टैक्स के लिए, पेंशन के लिए। हाँ, पेंशन अपील, स्कॉटिश लैंड कोर्ट। आप भी वकील हैं तो ये तो भी केस लड़ सकते हो, नहीं, 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 इनके रूल्स वगैरह अलग है। बाबा बड़े भाई ऐ ही कदों का बनाया था थे बाबे दे हियां। विलेज में हमारे खानदान को बाबा बुलाते हैं। हमारा खानदान काफी पुराना है और माशाल्लाह काफी बड़ा खानदान है। साइकिल वाला बंदा घूम रहा था, दो बंदे घूम रहे थे, अभी पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए हैं। पीछे वो टांगा टाइप साइकिल थी और आगे एक बंदा चला रहा था साइकिल रिक्शा। हाँ वो वाला। ये है जी स्कॉटलैंड के कैपिटल सिटी की हालत इस टाइम, खाली रोड, और ये इस तरफ मलका बरतानिया का घर है, एडिनब्रा कैसल। ये आ गया जी साइकिल रिक्शा, अभी इधर ही थे हम तो इस पे अभी झूला लेंगे। बैठे मैं और आप चलेंगे या आप चलेंगे मेरे साथ? मैं और महफूज भाई, प्लीज सर प्लीज। हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, मैं आपको इधर ले जाता हूँ, इधर से इधर, इधर से इधर, उसके 10 पाउंड, फिर अगर आपको उधर से उधर जाना तो फिर 20 पाउंड। लेकिन हमने कहा कि हमें बस इधर से बस कौन से ले आओ, हम बस थोड़ा सा जूता लेना चाहते हैं और एक पाउंड ही देंगे ना। हाँ एक पाउंड ही पहुँच भी गए हैं वापस अपनी जगह पर। थैंक यू सो मच। महफूज भाई ने न्यूज़ पढ़ी है और वो कह रहे हैं कि फायर वर्क नहीं होगा, कोई चोरी चोरी एक आधा टाका जो है ना वो चला ले तो चला ले। 9:37 हो रहे हैं अभी। ये प्लान बना है कि वापस हम ग्लासगो चलते हैं, यहाँ से 1 घंटा दूर है। अगर फायर वर्क होना हुआ ना तो वहाँ भी होगा, अगर नहीं होना हुआ तो फिर कहीं भी नहीं होगा। मेन जगह यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, मेन यही जगह थी इसलिए यहाँ पे आए थे ना, मेन इवेंट यहीं पे होना था। ग्लासगो जिस जगह पे हम रह रहे हैं ना, जिस होटल में, वो भी सिटी सेंटर के अंदर है। ची टक टक होना हुआ तो फिर उधर भी हो जाएगा। चलें फिर, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो वापस हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं तो अभी अंदर चलते हैं और इंतजार करते हैं 12 होने का, और अगर ची टक टक हुआ तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर सो जाएंगे। एग्जेक्टिव लॉन्च में हम आए हैं, यहाँ से पानी वगैरह लेंगे। इसके लिए कितने एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं? 70 pounds नाइट। 70 pounds नाइट। ये अपना ही है इस टाइम, इधर कोई नहीं है। हमें चाहिए पानी, हमने चूंकि पैसे दिए हुए हैं तो हम पेप्सी वगैरह पियेंगे। पैसे दिए हुए हैं। हम रह रहे 11वें फ्लोर पे हैं और ये लॉन जो है ये है 12 फ्लोर पे, और टोटल बिल्डिंग के 12 ही फ्लोर है। 11:50 हो रहे हैं, ठीक 10 मिनट के बाद 2022 जो है ना वो शुरू हो जाएगा। हम जस्ट स्ट्रीट पे निकले हैं फायरवर्क्स देखने के लिए। गाड़ी कोई नहीं, चलो गुजर जाते हैं। उम्मीद है कि कोई हमें ची टक 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 मिल जाएगा, उम्मीद है। अभी हमें नहीं पता किस तरफ फायरवर्क्स जो है ना वो होंगे, कभी आवाज़ इस तरफ से आती है, कभी आवाज़ उस तरफ से आती है, हम कंफ्यूज हैं। ये बिल्डिंग्स वाला एरिया है, सेंटर है ना सिटी का, तो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग्स, और यहाँ पे आके बिल्डिंग्स जो है ना ख़त्म हो गई हैं। तो हम थोड़ा बिल्डिंग से बाहर आए हैं ताकि हमें इर्द गिर्द नज़र तो आ सके कि किस तरफ वो जो है ना चला रहे हैं। 11:58 यहाँ हमें लगी हुई है, गोरे सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर। 11:59 हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अभी शुरू होंगे लेकिन नज़र कुछ नहीं आ, वो उस तरफ हुआ है, वो जिस आवाज़ सुने अभी दड़म दड़म की, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा यार। ये मज़ा नहीं है, बिल्डिंग्स है ना तो बिल्डिंग्स की वजह से आवाज़ जो है ना वो ज़्यादा गूंजती है, ऐसे ही जैसे जंग लगी हुई है। वाह, ये टल्ली का फायर क्या है? टल्ली एक गन होती है आपको पता? टल्ली। ओह, सबसे अच्छा दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया। हम एक ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं, हमें नहीं समझ आ रही हम राइट देखे, लेफ्ट देखे, सामने देखे, पीछे देखे, किधर देखे। शाबाश शाबाश, चाक दे फटे। साथ शराब पी रहे हैं।
बंदे की मुझे सबसे ज़्यादा बात पसंद आई, पटाखे तो उन्होंने चला लिए हैं जितने भी थे उनके पास, अभी वो जितना भी कचरा है ना वो उठा रहे हैं। ओह हो 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 हो, ये फुल जोश में आया हुआ है। आवाज़ उधर से जब आती है ना, जो बिल्डिंग से टकराती है, बिल्डिंग जितनी भी है इनके साथ टकराती है, तो ऐसा फील होता है कि जैसे चल उधर रहे हैं, आवाज़ इधर से आ रही है। नो सॉरी, हाँ लाइटर ही नहीं काम करता हुआ। ये पीछे एक गैंग जा रहा है, अल्लाह माफ करे, पी के तो बस टन हुए हुए हैं इस वक्त, और लड़की तो छा के हम पे आ गई थी। हैप्पी न्यू ईयर। हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, आज अच्छी खासी गर्मी है, आप ऐसा कह सकते हैं कि बारिश में नहाने वाला मौसम है। इधर ऑलमोस्ट ज्यादा होटल ही है, रेडिसन ब्लू। फाइनली वापस हम आ चुके हैं जी, अल्लाह माफ करे, निजाम बहुत धर्म भरम हो चुका है। गुड मॉर्निंग, अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल के लिए, उसके भी पैसे हमने दिए हुए हैं, तो अगर पैसे दिए हुए हैं तो फिर नहाना तो पड़ेगा, हालांकि मुझे स्विमिंग नहीं आती लेकिन हम जाएंगे। इस हाल में लड़का जो है ना जा रहा नीचे। ये जी हमारा स्विमिंग पूल है, और पानी इधर ज्यादा नहीं है, और यहाँ मैक्सिमम गहराई है ना जो 1.2 मीटर है। ओ, ऐसा गर्म पानी हो बंदा बस बैठा रहे सारा दिन। साढ़े इस वाली साइड पे जब स्विमिंग पूल हो ना, लोग सारी सारी दिहाड़ी जाकर उस बैठे रहे, इतना मजेदार गर्म गर्म पानी। स्टीम रूम में भाई साहब स्टीम ही स्टीम है हर तरफ, और धुंध है इधर यार, कुछ नहीं नजर आ रहा, और बहुत अंदर गर्मी है। ये स्कीम के लिए आपके स्किन के लिए अच्छी होती है, हम लेंगे, पैकेज में शामिल है ना, लेंगे। सांस लेना मुश्किल हो रहा है इधर तो। ये सोना है जी, वो साथ वाला स्टीम था, वहाँ पे मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए फिर इधर आ गया हूँ मैं, और इधर का टेम्परेचर अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें यहाँ का टेम्परेचर, ये क्या है, इतने मिनट आपने ना यहाँ पे बैठना है। ओ भाई साहब मैं तो पिघल जाऊं, टू हॉट यार, एहतियात ले। वक्त जी मैं चेंजिंग रूम के अंदर खड़ा हूं, ये चेंजिंग रूम है, ये पीछे पर्दे लगे हुए हैं, पर्दा आगे करो, पीछे जाके कपड़े चेंज कर लो, और इधर लॉकर हैं, कपड़े इनमें रख दो जैसे कि हमने इधर रखे हुए हैं, और इधर हेयर ड्रायर भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इधर पड़े हुए हैं, और उसके अलावा इधर कपड़े सुखाने वाली मशीन भी है, छोटी सी है, इसमें एक टाइम पे मतलब एक शॉट आ जाता है सुकून से, इस पे आप सुकून से कपड़े जो है ना वो सुखा सकते हैं। बाकी काफ़ी मज़े की जगह है, हमने काफ़ी इंजॉय किया इधर। तो खैर आज का व्लॉग जो है ना वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़ैन अलाबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।